चेयरमैन एनसीसीआईपी डॉक्टर रजनीश अरोरा सर भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि एआईसीटी एफर्ट्स फॉर होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन लास्ट फोर इयर्स इंक्लूडिंग एक्सटेंशन इन राजानंद संस्थान एंड सोशल स्कूल एजुकेशन। तो रजनीश सर नमस्ते, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। आदरणीय धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी, आदरणीय सुनील जी और भी बहुत सारे मित्र साथ जुड़े हुए हैं। अभी मेरे जिम्मे जो काम लगाया गया है वो ये है कि AICT ने ये जो सारा कार्य प्रारंभ किया उसके पीछे की दृष्टि क्या थी और क्या क्या प्रयास किए गए हैं जो शिक्षा नीति में अपेक्षा की गई है कि सर्वांगीण और मूल्य आधारित शिक्षा के लिए। हम जब अपनी नई शिक्षा नीति जिसे 2020 शिक्षा नीति कहते हैं उसके पहले पृष्ठ के पहले पैरे की पहली पंक्ति पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि शिक्षा से तीन अपेक्षाएं की गई हैं। सबसे पहली कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो और ऐसे जो विद्यार्थी इस शिक्षा में से गुजरें वो एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की रचना कर सके और इस शिक्षा में से जो विद्यार्थी गुजरे वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर सके। तो ये प्रमुख रूप से अपेक्षाएं की गई हैं। तो अब ये इसको थोड़ा सा गहराई से देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति के स्तर के ऊपर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, यानी अपना शरीर मन बुद्धि आत्मा हर दृष्टि से उसे आंतरिक सुख और साथ ही साथ उसे बाह्य समृद्धि इस दोनों का अनुभव हो और ये अनुभव उसे निरंतरता में हो, तभी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के स्तर पर व्यक्ति जो है उसका सर्वांगीण विकास हो पाया है। और इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की रचना कर सके, यानी क्या कर सके, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सही समझ और सही भाव हो कि वो ये समझ सके कि आनंद क्या है और उस आनंद की प्राप्ति कैसे की जा सकती है और फिर उसके चारों ओर इस प्रकार का वो वातावरण बना सके कि जिस परिवार में वो रहता है उस परिवार के अंदर समृद्धि का भाव हो। और इस प्रकार से जब हम कहते हैं कि हर व्यक्ति में सही समझ और सही भाव हो, इसका अर्थ है कि हर परिवार में समृद्धि का भाव हो और समाज में जिसका हिस्सा वो परिवार है उसमें अभय का वातावरण हो, विश्वास का वातावरण हो। जिस समाज में आपस में विश्वास का वातावरण नहीं है, विश्वास का भाव नहीं है, वहां पर न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की कल्पना नहीं की जाए। फिर व्यक्ति केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं रहता है तो हम निरंतर प्रकृति के साथ भी जुड़े हुए हैं और प्रकृति के स्तर पर इस पूरी अस्तित्व के स्तर के ऊपर सह अस्तित्व का भाव हो कि आपस में एक तृप्ति का भाव हो कि मैं भी समृद्ध हूं, मैं भी तृप्त हूं और ये प्रकृति भी तृप्त हो, तभी समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की रचना हो सकती है। और राष्ट्र के स्तर के ऊपर जब हम राष्ट्र के विकास की बात कहते हैं इसका अर्थ है कि राष्ट्र के अंदर व्यवस्था है और राष्ट्र दूसरों को भी, दूसरे राष्ट्रों को भी व्यवस्थित होने में सहयोग कर सकता है। अगर राष्ट्र स्वयं में व्यवस्थित नहीं है तो वह विकसित राष्ट्र नहीं कहला सकता है। तो ये जो अपेक्षाएं शिक्षा नीति की शिक्षा से हैं तो स्वाभाविक रूप से ये स्कूली शिक्षा से भी हैं और ये उच्च शिक्षा से भी हैं। अब थोड़ा सा और गहराई में जब हम विचार करते हैं तो जिस प्रकार का शिक्षा संस्कार चाहिए उसको हम मानवीय शिक्षा संस्कार, भारतीय शिक्षा संस्कार कह सकते हैं, तो उसमें सर्वांगीण विकास में तीन बातें आती। सबसे पहले है कि व्यक्ति का जो वैश्विक दृष्टि है वो अपने आसपास के अस्तित्व को कैसे देखता है, वो मानवीय है या अमानवीय है। तो वो जो अपनी भारत की परंपरा में एक मानवीय दृष्टि का बात की गई है उससे आगे की चीजें विकसित होती हैं, उस दृष्टि से ही उसके जीवन मूल्य प्रकट होते हैं।
कि उसके लिए क्या मूल्यवान है क्या नहीं मूल्यवान, तो उस दृष्टि से सबसे पहले दृष्टि, दूसरा उसके मूल्य, और फिर उन मूल्यों के अनुसार वो अपना जीवन जी सके, अपना आचरण कर सके, उसके लिए जो जिस प्रकार की स्किल चाहिए, जिस प्रकार की भी कला चाहिए, उसको वो प्राप्त कर सके, ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो यही कार्य अपने परिवार में जो शिक्षा होती है, अपने विद्यालय में हर स्तर पर, प्री प्राइमरी, मिडल, हायर सेकेंडरी के स्तर पर, और फिर कॉलेज में उच्च शिक्षा के स्तर पर जो शिक्षा होती है, उससे ये अपेक्षा है। और इसमें से निकले हुए लोग जब अपने आसपास के सारे समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनसे न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने की जो अपेक्षा है, तो ये केवल बहुत बिल्कुल आसपास नहीं, तो पूरे अपने मोहल्ले में, लोकेलिटी में, गांव में, प्रखंड में, शहर में, जिले में, प्रांत में, देश के स्तर तक इस प्रकार का समाज विकसित हो, ये अपेक्षा है। और फिर उस आधार पर अपना राष्ट्र व्यवस्थित हो, हार्मनी में हो, और दूसरे राष्ट्रों को व्यवस्थित होने में सहयोग कर सके। इसी से ही मानवीय समाज, मानवीय व्यवस्था, मानवीय संस्कृति, मानवीय सभ्यता का विकास होता है, ये शिक्षा का उद्देश्य है। परंतु हमारे ध्यान में आता है ये जो पहली दो बातें हैं कि मानवीय दृष्टि और मानवीय मूल्य, ये एक लिंक ऐसा है, बहुत महत्वपूर्ण लिंक है, कि जो आज मिसिंग है, जो आज गायब है अपनी सारी शिक्षा व्यवस्था में से, और उस लिंक को पूरा करने के लिए ये सारा प्रयास है। और ये लिंक मिसिंग होने के कारण से हम ठीक प्रकार के हुनर, ठीक प्रकार की स्किल्स अपनी शिक्षा में नहीं दे पा रहे हैं, और जिसके कारण से जो व्यक्ति हमारी शिक्षा में से पास होकर के आ रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारे शिक्षक भी, वो भी अपने आसपास न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की रचना में योगदान नहीं कर पा रहे हैं, और राष्ट्र के विकास में भी योगदान नहीं कर पा रहे हैं। ये जो प्रश्न चिन्ह अपने सामने हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए समाधान के रूप में AICT ने जो प्रयास किया है, वो तीन स्तर पर प्रयास है। तो उसमें पहला प्रयास है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का, एक ऐसे जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हैं, जो यूनिवर्सल हैं, वो सारी दुनिया पर लागू होते हैं, वो एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, सब जगह पर एक जैसे लागू होते हैं। हमने परंपरा में चाहे अपने महापुरुषों से वो सुने हों, महापुरुषों से सीखे हों, चाहे अपने पूर्वजों से समझे हों, चाहे अपने परिवार में देखे हों, लेकिन वो लागू सब पर होते हैं, और ये रैशनल हैं, ये समझे जा सकते हैं, ये समझाए जा सकते हैं, क्योंकि ये सब तर्कपूर्ण हैं, और केवल तर्कपूर्ण नहीं है, ये वेरीफाइएबल भी हैं। इनको जब हम अपने जीवन में आचरण करते हैं इनके अनुसार, तो हम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करते हैं, समृद्धि का भाव पैदा होता है, समाज के अंदर विश्वास का भाव पैदा होता है, तो उस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में एक्सपीरियंशली वेरीफाई कर सकते हैं, अपने अनुभव से उसको देख सकते हैं। और ये सारे के सारे जो जीवन मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, ये व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, और इसके कारण से हमारे अपने जीवन में, अपने अंदर एज इंडिविजुअल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जो अंतर विरोध होते हैं, उनको व्यवस्थित कर पाना आसान होता है, उनमें समन्वय कर पाना आसान होता है, और परिवार में जो अंतर विरोध हैं, और जो समाज में अंतर विरोध हैं, जो प्रकृति के साथ अंतर विरोध हैं, उन सब स्तरों पर हम हार्मनी की ओर प्राप्त कर पाते हैं। और फिर साथ ही साथ बच्चों को, विद्यार्थियों को उन जीवन मूल्यों के आधार के आधार पर जो एग्जाम्पल्स अपने चारों ओर नजर आती हैं, और अपने भारतीय जीवन परंपरा के अंदर, अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर जो मानवीय विचार है, जो मानवीय संस्कृति है, उसके उदाहरण के साथ विद्यार्थियों को समझाना, विद्यार्थियों के साथ चर्चा संवाद करना, ये उसका दूसरा हिस्सा है। और इन जीवन मूल्यों के आधार पर और उस इतिहास की, संस्कृति की परंपरा के आधार के ऊपर जो अपने को समझ में आता है कि मुझे ये जीवन जीने के लिए इस प्रकार का
नेचर फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली, जो ना जिसमें मानव का शोषण हो, ना हम किसी का शोषण करें, ना अपना शोषण होने दें और ना ही हम प्रकृति का शोषण करें, इसके लिए जो स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स को सीखने के लिए जो सारी दुनिया में श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, परंतु आधार क्या है कि वो नेचर फ्रेंडली होनी चाहिए और वो ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए, उनको सीखने के लिए अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपने को आगे बढ़ना है। और उस सारे के आधार के ऊपर ही जो शिक्षा की अपेक्षाएं, शिक्षा नीति की अपेक्षाएं हैं, और उनको करना। और ये काम, ये सारा जो विचार है वो हर स्तर पर है, व्यक्ति के स्तर पे ऊपर कि मेरे अंदर मेरा मूल्य क्या है, तो मैं अपने अंदर स्वयं को अधिक सही दृष्टि में अधिक वैल्यूएबल मानता हूँ, मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान मानता हूँ जब मैं स्वयं में प्रसन्न होता हूँ और जब मेरा शरीर स्वस्थ होता है, और ये मेरे अंदर स्वयं का मूल्य है। और इसी तरीके से परिवार में मेरा मूल्य क्या है कि परिवार में आपस का संबंध बना हुआ है, परिवार में समृद्धि का भाव है। समाज में मेरा मूल्य क्या है, तो समाज में मैं तब मूल्यवान होता हूँ जब समाज की व्यवस्थाओं में मेरी भागीदारी जो है वो न्याय के लिए है, शांति के लिए है और व्यवस्था के लिए। अगर मेरे कारण से अव्यवस्था फैलती है, अशांति फैलती है, अन्याय होता है, तो मैं समाज के लिए मूल्यवान नहीं, समाज में मेरा मूल्य क्या है। और इसी प्रकार से सारी प्रकृति में, इस सारे अस्तित्व में मेरा मूल्य क्या है, तो मेरा मूल्य म्यूचुअल फुलफिलमेंट का है। मेरे कारण से अगर प्रकृति का ह्रास होता है तो मेरा जो है वो प्रकृति के लिए मूल्य सही नहीं। और जब हम अपनी परंपरा में ये सब चीजें जो हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं, समझते हैं, तो ध्यान में आता है कि भारत में इस विचार के प्रति, इस ज्ञान के प्रति बहुत सारे प्रयोग हुए, उनका अभ्यास किया गया और हजारों सालों में उसको वेरीफाई किया गया, उसको जांचा गया, और उसके परिणाम स्वरूप जो ज्ञान परंपरा आई वो सबके भले के लिए, फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। तो इसलिए अपनी ज्ञान परंपरा में जो मुख्य सूत्र अपने को समझ में आते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, वही चीज मूल्यवान है जिससे सब सुखी होते हैं, सब निरोगी होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार एक परिवार है, और वही मूल्य जो है वो सही मूल्य है जिससे पूरे संसार में आपस में परिवार का भाव बढ़ता है। ये मूल्य विश्व सरकार बनाने के लिए नहीं है, ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं है, ये मूल्य ग्लोबल मार्केट बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये मूल्य ना सरकार बनाने के लिए है, ना बाजार बनाने के लिए है, बल्कि ये परिवार के भाव का अनुभव करने के लिए है। तो वसुधैव कुटुंबकम ये अपनी परंपरा में है। फिर है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात ट्रुथ इज वन, एक्सप्रेशन कैन बी डिफरेंट, विविधता में एकता है। जो ऊपरी विविधता नजर आती है उसके पीछे वो एकत्व का भाव है, वो हमें दिखाई दे, वो पहचान में आए, वो मूल्यवान चीज है। वो जो एकता है वो मूल्यवान है, वो जो सत्य है वो मूल्यवान है। और फिर अपने लिए अपना कर्तव्य क्या है, कृणवंतो विश्वमार्यम, तो वो जो सही बात दिखाई देती है वो अपने अगली पीढ़ी को भी दिखाई दे, वो अपने विद्यार्थियों को भी दिखाई दे। तो शिक्षक के नाते से पहले स्वयं श्रेष्ठता का अनुभव करना, फिर अपने विद्यार्थियों को श्रेष्ठता का अनुभव करवाना, इस तरीके से अपने जीवन को जीना, ये अपने को अपनी परंपरा में ध्यान में आता है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा और क्या किया गया जिससे ये सूत्र अपने ऋषियों के अनुभव में आए, कि मनुष्य को समझाया, कि मनुष्य का गहराई से अध्ययन किया गया, और फिर मनुष्य और प्रकृति, सारी प्रकृति, उस प्रकृति में बाकी शेष मानव भी आते हैं, शेष सारी प्रकृति भी, पशु प्रकृति, वनस्पति जगत, जड़ जगत, जो पदार्थ अवस्था के सारी चीजें हैं, उन सब के साथ जो हार्मनी है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझा गया। तो यो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात अभी की जाएगी आगे के सेशंस में, आगे के दिनों में। ये वास्तव में भारत की ज्ञान परंपरा का सार है, ये भारत की ज्ञान परंपरा का एसेंस है। और आज
इस सारे चीज को जब हम विद्यार्थियों के साथ करते हैं तो समस्याओं की चर्चा नहीं करते, इसको समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा विद्यार्थी जब घर से आता है, विद्यालय में आता है, महाविद्यालय में आता है, तो बहुत तरह की चीजें उसको नजर में आती हैं। वो अपने परिवार से किसी अलग परिवेश से आया होता है, बाहर उसको कोई शहर की संस्कृति नजर आती है, कोई पश्चिम की संस्कृति नजर आती है, कोई खुली संस्कृति नजर आती है, तरह तरह के चलचित्र ध्यान में आते हैं, तरह तरह का इंटरनेट, गूगल, ये सब ध्यान में आता है, और अपने परिवार की, अपने गांव की परंपरा ध्यान में आती है, और बहुत कुछ ध्यान में आता है। और जब ऐसे समय में वो तुलना करने लगता है, वो उसमें आपस में विरोध को देखता है, तो अगर वो उसकी अपनी समझ नहीं बनी होती है तो वो फिर निंदा की तरफ जाता है, वो विरोध की तरफ जाता है, वो विद्रोह की तरफ जाता है। उसके स्थान पर अगर अपनी समझ सही मूल्यों के बारे में, सही दृष्टि के बारे में अगर ठीक हो, रजनीशी की आवाज नहीं आ रही क्या? सर नमस्ते जी भैया। ओके, कुछ फोन आ गया होगा या कुछ हो गया होगा, इसको कंप्लीट कर देते हैं। जी भैया कंटिन्यू कर सकते हैं कि इतने सारे जो इनपुट्स आ रहे हैं उसको अगर हम लोग देखें। हाँ हाँ जी जी, कनेक्शन थोड़ा कट गया था। हाँ जी आई है। तो मैं अलग अलग प्रकार से विद्यार्थी जब अपने परिवेश को देखता है तो उसमें जो विरोध का अनुभव करता है तो वो उसको ठीक किया जा सकता है जब उसको सही चीज की समझ होगी। तो इस सारे जो प्रयास है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का, उसके सामने सही मूल्यों को, सही दृष्टि को प्रस्तुत करना, और फिर उसके आधार पर जब भी वो किसी नए परिवेश को देखता है, नई अप्रोच को देखता है, तो उसको निंदा और विरोध के भाव से नहीं, बल्कि उसमें एक जिम्मेवारी का भाव, इसमें जो चीज उस सही से अलग है, तो वो जो गैप है वर्तमान स्थिति का और सही स्थिति का, उस गैप को भरना, वो जो दायित्व है वो मेरा अपना है, इसको सही दिशा में ले जाना ये मेरा दायित्व है, इस प्रकार का भाव उसके मन में आता है, ना कि तुलना का, क्रिटिसिज्म का, रिजेक्शन का, उदासीनता का। तो उसके बजाय वो उत्साह की ओर आगे बढ़े, ये इस सारे कार्य का उद्देश्य है। जब आप स्वयं इस सारे सेशन में से गुजरेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये उस दिशा में एक समाधान केंद्रित जो अप्रोच है वो इस सारे प्रयास में ली गई है। AICT ने जो जो प्रयास इस दिशा में किए हैं उनको थोड़ा सा मैं आपके साथ दोहराऊंगा। सबसे बड़ी बात की गई कि वहां पर इंडक्शन प्रोग्राम सेल बनाया गया AICT में, और जिसको डिप्टी डायरेक्टर लेवल के सीनियर अधिकारी नीतू भगत जी उसको हेड कर रहे हैं। फिर 2017 में मॉडल करिकुलम की घोषणा की गई, जिसमें 21 दिन का मैंडेटरी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम था और 3 क्रेडिट का एक कोर्स ये मैंडेटरी बनाया गया है, जो तीसरे या चौथे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, जिसमें मानवीय व्यवस्था और मानवीय आचरण को समझने का अवसर विद्यार्थियों को मिलता है। जो नई अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक बनाई तो उसमें कॉलेजेस से पूछा भी जाता है कि आप इसमें कितना काम कर रहे हैं, और इस सारे काम के सही क्रियान्वयन के लिए नेशनल लेवल पर 2 कमेटीज बनाई गई हैं। नेशनल यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के चेयरमैन प्रोफेसर HD चारण हैं, जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, और जैसा बताया गया कि दूसरी कमेटी का दायित्व मेरे पास है। तो इस प्रकार से AICT ने ये काम किए, और फिर इस सारे को ना केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण में, बल्कि AICT के ऑफिसर, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, कॉलेज के चेयरपर्सन, AICT के जो मार्गदर्शन टीम के वो जो सब मार्गदर्शक हैं, उन सब तक भी विषय पहुंचे
उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए गए और फैकल्टी को तैयार करने के लिए तो लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसा अनिल सहस्त्रबुद्धे जी बता रहे थे, और फिर कोरोना के बावजूद ऑनलाइन पिछले साल भी और इस साल भी एसआईपी कैसे कंडक्ट किया जाए इसका पूरा विचार किया गया। और फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पर इस काम की बहुत ज़्यादा स्तर तक आगे बढ़कर के और भी कोर्सेज शुरू किए गए, वो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये काम हुआ। इस समय 150 से अधिक वॉलंटियर्स, ऐसे टीचर्स जो अपना समय दे रहे हैं बिना किसी भी प्रकार का ऑनरेरियम लिए, किसी भी प्रकार की प्राप्ति से हुए, और लगभग 100 मैन ईयर्स इस पेंडेमिक में सबके द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए हैं। और इस सारे काम का साप्ताहिक तौर पर बैठकों के अंदर इसका फॉलोअप होता है, और जो विद्यार्थियों के साथ भी और ऐसे शिक्षक जो आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही कंसिस्टेंटली जून 2020 से लगातार साप्ताहिक ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इस समय देश भर में 64 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इस कार्य में अपनी सहभागिता दिखाई है, और जिसमें सब जगह पर उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर्स तय किए हैं। ये कुछ फिगर्स हैं, इन फिगर्स को तो पढ़ना ठीक नहीं है कि अलग अलग रीजन में, मैं देख रहा हूँ कि अभी जरा भोपाल रीजन इस मामले में थोड़ा पीछे है, 23% है। प्रोफेसर सुनील कुमार जी यहाँ पर हैं, इनके सहयोग से यहाँ पर भी काम आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूपी में कानपुर रीजन है, नॉर्दर्न रीजन, वहाँ 92% है, तो बाकी सब भी आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मैं अधिक समय नहीं लगाऊंगा। अभी अनिल सहस्त्रबुद्धे जी ने आपके साथ स्वयं ही सारे विषय को रखा है, और उनकी लीडरशिप में ये वैल्यू एजुकेशन का काम आगे चल करके वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ओर बढ़े, और फिर ये वैल्यू बेस्ड लिविंग की ओर बढ़े, ये हम सब लोगों का सम्मिलित प्रयास है। और AICT ने ये एक प्रारंभिक प्रयास किया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, और कि टेक्निकल एजुकेशन में ह्यूमन वैल्यूज को कैसे जोड़ा जाए। अब जो आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में, कि स्कूल एजुकेशन के आप सब जो कर्णधार हैं, आपने इसको स्कूल एजुकेशन में आगे ले जाना, ये महत्वपूर्ण कार्य है, ये अनिवार्य कार्य है, और ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर 131 करोड़ अपने देश की जो जनसंख्या है, अब तो 131 से भी बढ़ गई है, वो 25 करोड़ परिवारों में रह रही है, और उन 25 करोड़ परिवारों में सब तक ये विषय पहुंच सके, तो उसके लिए आवश्यक है कि हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का इस विषय में एक्सपोजर हो। तो उसके लिए स्कूल एजुकेशन, जहां पर इस समय 26 करोड़ विद्यार्थी 15 लाख स्कूलों में देश भर में चल रहे हैं, उसमें हर 240 विद्यार्थियों के पीछे एक टीचर कम से कम ट्रेंड हो, इस प्रकार का प्रयास देश भर में होना आवश्यक है। और मैं इस बात को बहुत ही प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश इसमें लीड ले रहा है, और मध्य प्रदेश के स्कूलों में आगे बढ़ने के लिए वहाँ के स्कूल टीचर से शुरुआत की जा रही है, और जिसके जिम्मे IASC के जिम्मे उन स्कूल टीचर्स के प्रशिक्षण का दायित्व है, उनकी आज पहली वर्कशॉप शुरू हो रही है। तो IASC से जो अपेक्षाएं हैं वो ये हैं कि ऐसे टीचर को की पहचान करना कि जो निष्ठावान है, और ऐसे टीचर्स की एक टीम बन करके कि वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करे जिससे कि स्कूलों में वैल्यू एजुकेशन ले जाया जा सकता है। आपके साथ इस 5 दिन के वेबिनार में जो इस सारे की कोर कंटेंट है वो आपसे शेयर किया जाएगा, लेकिन जो आगे विद्यार्थियों के साथ सेकेंडरी लेवल के, मिडिल लेवल के और प्राइमरी के, प्री प्राइमरी के जो विद्यार्थी हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार अपने को टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करना है, उनके लिए क्या प्रोसेस ऑफ डिलीवरी होगी, क्योंकि हर विद्यार्थी की अपनी अपनी आयु के अनुसार उसके विकास का एक स्तर रहता है। हम लोग जो बड़ी क्लासेस में करते हैं, जो आप अपने अंदर स्वयं में जांचना, लेकिन छोटी क्लासेस के अंदर बहुत तरह की एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज, असाइनमेंट और अपने आसपास के जगह पर
विजिट करना, और फिर उनके आसपास जो लोग उस प्रकार की वैल्यू बेस्ड लिविंग जो आचरण कर रहे हैं उनका एक्सपोजर उनके सामने हो। तो मुख्य रूप से ये है कि अपने को पता हो कि हर क्लास के विद्यार्थी में किस प्रकार के गुण अगली क्लास में जाने के लिए होने चाहिए, तो उसके आधार के ऊपर हम अपने सारे कार्य का मूल्यांकन करें और अपने शिक्षकों का और विद्यार्थियों का मूल्यांकन करें। तो उस दृष्टि से इस वर्कशॉप के जो आज वर्कशॉप शुरू हो रही है उसके हम जो ऑब्जेक्टिव्स मानते हैं वो ये हैं कि एक ओरिएंटेशन हो आईएएससी भोपाल टीम का, और ताकि वो उस प्रकार का कंटेंट डेवलप कर सके, उस प्रकार की प्रोसेस डेवलप कर सके कि जिससे सेकेंडरी मिडिल और प्राइमरी एजुकेशन में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को जोड़ा जा सके। और इसी के आधार के ऊपर फिर हम ऐसे शिक्षक जो राष्ट्र के लिए इस महत्वपूर्ण काम के लिए जो कमिटेड हैं, जो निष्ठावान हैं, वो उभर करके सामने आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं, और मेरी शुभकामना है कि ये सारी वर्कशॉप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।